जी, आज की जो लैब है स्टूडेंट्स, उसमें हम लोगों ने पेरेंट ओयू एमसीएससी, जिसमें हमारे ऑलरेडी यूजर्स हैं, उस पर हमने पॉलिसी वॉलपेपर की ऑन कर दी। इसके अलावा हमारे पास एक डिफॉल्ट पॉलिसी भी मौजूद है। इन दी एब्सेंस ऑफ पेरेंट ओयू पॉलिसी आपकी बाई डिफॉल्ट इंप्लीमेंट होती है जो कॉन्टेस्टो डॉट लोकल के ऊपर पॉलिसीज लगी हुई, दो इन्होंने वन बाई वन अपने ऑर्डर के साथ इसने इंप्लीमेंट कर देना है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखा कि इन द एब्सेंस ऑफ दिस वन तो डिफॉल्ट डिवेल हो जाती है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ दिस वन कौन सी लगती है वो हमने लैब करके देख ली। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट ओयू पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाती है, जिससे कनेक्टेड लिंक्ड पॉलिसी होती है वो हमने देख लिया। अब मैं आपसे ये सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूं कि इसके अंदर दो यूजर्स मौजूद है जो कि चाइल्ड ओयू है, एमसीएससी के दो चाइल्ड ओयू है, वीकेंड वीकडेज एंड वीकेंड, और इसमें एक यूजर है डब्ल्यू वन, इसमें है यूजर डब्ल्यू टू। अगर इनको मैं चेक करना चाहूं कि इसमें मैंने कोई पॉलिसी नहीं लगाई, अगर लगाना चाहूं एक पे मैं चैनल लगा भी देता हूं, डब्ल्यू टू यूजर है, इस पे पॉलिसी लगा देता हूं, वीकेंड वीकेंड पॉलिसी मैं ऑन कर देता हूं। इसमें एक थोड़ा डिफरेंट अप्रोच यूज करता हूं, इसमें मैं अब दोनों में आपको तो डिफरेंस का आइडिया हो जाए कि अगर पॉलिसी चाइल्ड पे लगती है तो क्या होगा, और इन द एब्सेंस ऑफ चाइल्ड पॉलिसी क्या पेरेंट की इनहेरिट होगी या डिफॉल्ट डोमेन की, ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी का। और ये वॉलपेपर एज ए मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, ये तमाम के लिए सेम है सेटिंग जो भी है। फॉर इंस्टेंस मैं यहां पे सिंपल एग्जाम्पल के तौर पे, डेमो के तौर पे डीसी 100 बैक स्लैश डब्ल्यू पी बैक स्लैश यहां पे लाहौर 1.jpg चेक कर लेता हूं, फाइल एग्जिस्ट कर रही है, थोड़ा डिफरेंट वॉलपेपर है, ये लाहौर में मेरे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो मैं इनको थोड़ा सा इस हवाले से ग्रीट करना चाह रहा हूं, वेलकम करना चाह रहा हूं वॉलपेपर के थ्रू, ठीक है ना। हो सकता है आपको इस तरह का कोई सीन आपको क्रिएट करके बताना हो, एक अच्छा फीलिंग आती है, ठीक है, एक अच्छा एनवायरमेंट आपका ये देखिए लाहौर 1 के नाम से। ये चले हमारे स्टूडेंट हैं जैद साहब, इस वक्त कराची में बैठे हैं, चले कराची ले लेते, कराची 2 के नाम से। इसमें एक खूबसूरत सा वॉलपेपर पड़ा हुआ है और इसकी मैं फर्दर प्रॉपर्टीज देख लेता हूं, जेपीजी है, बीएमपी है, क्या है जिसकी डिटेल यहां से मालूम हो जाएगी। ये जेपीजी है, ठीक है, ठीक है, कराची 2.jpg, ठीक है, जबरदस्त, ये देते हैं। फिट कर दे, स्ट्रेच कर देते, चले ये ले। तो स्टूडेंट्स अभी हमने क्या किया, एक चाइल्ड ओयू वॉलपेपर ऑन कर दिया, एक चाइल्ड के ऊपर हमने वॉलपेपर की सेटिंग ऑन नहीं की, किस पे की थी, डब्ल्यू टू। डब्ल्यू टू एग्जिस्ट करता है वीकेंड क्लास के यूजर के तौर पे, यहां पे इस ओयू में डब्ल्यू टू है, इस ओयू में डब्ल्यू वन है, इस पे मैंने कोई पॉलिसी नहीं लगाई। अब देखिएगा क्या होता है, अब एक ही सिस्टम पे मैं डब्ल्यू वन को यूजर को साइन इन करवाता हूं, एक पे डब्ल्यू टू को करवाता हूं, और आपने माइंड के अंदर रखना है कि डिफॉल्ट कौन सी सेटिंग है, पेरेंट के ऊपर कौन सी है, वॉलपेपर से आपको आइडिया हो जाएगा कि आया किसको फॉलो कर रहा है। माइंड क्लियर है ना आपका करंट सिनेरियो के हिसाब से, नहीं जी, लॉग ऑफ करते हैं। पहले एहतियातन इसको मैं जरा रन कर दूं ताकि मुझे इसके अंदर कोई इशू
रेज ना हो, हम स्मूथली अपनी लैब एग्जीक्यूट कर लें। आप अगर अपडेट करनी है तो जीपी अपडेट और पावर शेल में उठाइए इनवोक डैश जीपी अपडेट। वैसे जीपी अपडेट भी चल जाती है लेकिन इनवोक डैश जीपी अपडेट आप दे सकते हो, उसमें स्विच लगाने की जरूरत नहीं है। मैंने नोट्स आपसे शेयर कर दिए हैं, वहां से आप ले सकते हो। अच्छा जी, इन द मीन टाइम ये हो गया है, लॉग ऑफ करते हैं और एक मशीन पे हम यूजर W1 को और दूसरी मशीन पे यूजर W2 को साइन इन करवाते हैं और देखते हैं कि हमारा जो इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेटिंग्स हैं वो किस वो जो है ग्रुप पॉलिसी को फॉलो करता है, पेरेंट को फॉलो करता है या वो डोमेन डिफॉल्ट डोमेन वाइड जो पॉलिसी लगी है फॉलो W1@contrasoft। इसी तरह यहां पे हमारी ये लैब हमें एक मैसेज देगी कि आज सेटिंग कौन सी फॉलो होगी इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिसी और इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलिसी क्या होता है। सर W उधर टू है, इधर हमने W2 को किया है तो इधर W1 को, इधर W1 है इधर W2 को कर देते हैं। दो अलग अलग यूजर्स, दो डिफरेंट चाइल्ड भी मौजूद और एडमिनिस्ट्रेटिवली आपने जिस तरह भी अपने ओयूज बनाए हैं उस पर पॉलिसीज की आज आपको प्रैक्टिस दिखने को मिल रही है। नहीं जी, यहां पे W1 यूजर है और यहां पे W2 यूजर यहां पे साइन इन कर रहा है। तो दोबारा आपको इन द मीन टाइम आपको लेके आता हूं जब तक वो लोड करता है। तो हम लोगों ने कल जो है वो इंप्लीमेंटेशन की है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स की। एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट मैंने आपको बोला कल हमने बड़ा इंपॉर्टेंट GPO लर्न किया, क्रिएट किया, फोल्डर क्रिएट किया स्टार्टर के नाम से। बाय डिफॉल्ट क्रिएट नहीं होता है, जब आप क्रिएट करते हो तो उसमें आप जो भी सेटिंग का जो नोड होती है यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे एंड कंपनी कॉन्फ़िगरेशन पे जो सेटिंग नोड होती है वो सिर्फ एक ही होती है और सेटिंग नोड वो नाम क्या था उसका एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट। इसका फायदा क्या होता है स्टार्टर GPO का कि इसमें जो भी एडमिनिस्ट्रेटिवली आप अप्लाई करना चाह रहे हो, इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, पॉलिसी सेटिंग करना चाह रहे हो डिफरेंट, आपको पता है 2400 एक में 1700 एक में, तो जो सेटिंग आप करना चाह रहे हैं इंप्लीमेंट वो एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में आप इन वन को लोड कर दो और जो भी आप नया GPO बनाते हो पॉलिसी बनाते हो किसी भी ओईएम के साथ कनेक्ट करते वक्त क्रिएट करते वक्त उसमें स्टार्टर आप लोड कर लो। स्टार्टर का फायदा यह होगा कि उसमें से 100 में से 90 पॉलिसीज आपने इंप्लीमेंट करनी है उसके अंदर से वो आप 90 कर लो, बाकी 10 अगर आपको चेंज रिक्वायर्ड है वो चेंज कर लो, कोई मसला नहीं। बजाय ये कि 100 आप सेटिंग करने बैठ जाओ वो 90 जो प्रॉब्लम है जो डिफरेंट हुई उसमें आपने आज पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है कर लो, जो 10 जहां पे आप डिफरेंट करते हो उसको आप चेंज कर लो। ये इजी वे है आप पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने का थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट इंप्लीमेंटेशन। अच्छा, फिर अगला जो हमारा टारगेट होगा कुछ आज करेंगे कुछ कल करेंगे, ये है हमारी फोल्डर रीडायरेक्शन कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, स्क्रिप्ट्स कैसे लिखते हैं, ये हमारी एक लैब है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास होती है पॉलिसी प्रेफरेंसेस। प्रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंसेस एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप प्रेफरेंसेस ऑन करते हो। अब आपको सर पॉलिसीज एंड प्रेफरेंसेस में फर्क क्या है, प्रेफरेंसेस जब आप सेट करते हो तो मुझे कंट्रोल पैनल में जो है वो आपको कुछ ऑप्शंस को आपको अनअवेलेबल करवाना है, ठीक है, और टारगेट करना है विंडोज 10 की मशीनों को या जिनकी रैम 2GB से अबव है वहां पे आपको कुछ फोल्डर्स को मैपिंग करनी है, कुछ फाइलों को टारगेट करना है अपनी वर्क स्टेशन के ऊपर। ये सारी प्रेफरेंसेस के थ्रू आप इंप्लीमेंट कर पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ग्रुप पॉलिसी प्रेफरेंसेस। इसके थ्रू आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो क्या क्या कर सकते हो। तो ये कुछ लैब्स हैं,
जिसमें एक लैब हमारी होगी फोल्डर रिडायरेक्शन की, एक लैब होगी हमारी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की, एक लैब छोटी सी होगी स्क्रिप्ट राइटिंग की, और एक लैब में हम प्रेफरेंसेस को कंट्रोल करेंगे। और कल हमने ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग देखी, जिसमें पॉलिसीज अगर कोई आपको ट्रबल शूटिंग रिक्वायर्ड जीपी रिजल्ट सीएलआई वर्जन है, और मॉडलिंग और जो रिपोर्ट के नाम से आपको एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डोमेन कंट्रोलर पे कल हमने देखा। अच्छा, एक और चीज बताऊं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट होते हैं ये फिजिकली कुछ फाइल एक्सटेंशन से कनेक्टेड होते हैं। फाइल एक्सटेंशन होती है .adm, और जो लेटेस्ट वर्जन है 2008 से पहले adm होती थी, 2008 के बाद x उसमें ऐड कर दिया गया। जिस तरह ऑफिस में पहले x नहीं होता था, dmc होती थी, xls होती थी, और पावर पॉइंट की पीपीटी होती थी, तो उन्होंने एक्स की एडिशन की है लेटेस्ट इंटरनेट की, जो आपको उससे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इंटरनेट के ऊपर, चूंकि आपको एक्सपोजर हो गया एप्लीकेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो एक्स को ऐड कर दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट की एक्सटेंशन। अच्छा, ये कहां पे स्टोर होते हैं? ये लोकल मशीन पे स्टोर होते हैं। सी के अंदर विंडोज में एक फोल्डर मिलेगा आपको पॉलिसी डेफिनेशन का, उसमें ये फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं। अभी आपको दिखाता हूं। हाँ, इनको सेंट्रली आप स्टोर कर सकते हो। ये सारा इस लेसन में शुरू के कुछ टॉपिक्स यही है, ये शुरू के टॉपिक्स आपको यहां पे जो दिख रहे हैं। और इसमें आपको क्या होता है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के अंदर आपको कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन एंड यूजर कॉन्फ़िगरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोल पैनल की सेटिंग करनी हो, नेटवर्क की सेटिंग करनी हो, प्रिंटर की सेटिंग करनी हो, सर्वर्स की सेटिंग करनी हो, स्टार्ट मेन्यू टास्क बार की सेटिंग्स रिक्वायर्ड हो, सिस्टम विंडोज कंपोनेंट ऑल सेटिंग। इसी तरह यूजर एंड पे भी ऑलमोस्ट कुछ नई चीजें हैं, जैसे शेयर्ड फोल्डर, ये डिफरेंट है, ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट यूजर एंड कंप्यूटर की सेम है। सर्वर इधर आता है, सर्वर इधर मौजूद नहीं है, ऑलमोस्ट बाकी सेम है आपको। अब इससे रेलेवेंट आप सेटिंग कॉन्फिगर कर सकते हो, कुछ मैं आपको करके भी दिखाऊंगा एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के थ्रू। कल हमने जो है लॉक किया था टास्क बार को, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के ही थ्रू किया था हमने। तो ये आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट मोड ऑफ जीपीयू आर स्टोर्ड इन फाइल्स और करंटली सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर सेटिंग्स इन ADMX फाइल्स। और ये आपके एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट जो पड़े होते हैं वो इस फोल्डर में लोकेटेड होते हैं। ये देखो, ये आपको दिख रहा है विंडोज के अंदर इसकी INF फाइल्स आपकी लोकेटेड होती है। कहां पर लोकेटेड होती है? सिसवॉल के फोल्डर में। सिसवॉल के फोल्डर में आपको ये दिखेंगे, अभी आपको दिखा भी देता हूं। इसको आप सेंट्रली कॉन्फ़िगर कर सकते हो, या ये ऑप्शन है, इसमें आपको बताया गया कैसे करते हैं। आपको मैंने विजिट करवाया था सिसवॉल के फोल्डर का, याद होगा, उसमें पॉलिसीज की ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करती हैं वो मैंने आपको बोली थी ना, डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर एंड डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसीज के अंदर दो आपको फोल्डर बने हुए दिखा रहा था मैं। इसमें मजीद एक फोल्डर आपने क्रिएट करना है इस नाम से, उसके अंदर ये कहां पर क्रिएट करना है, किस लोकेशन पे। ये लोकेशन है contrast.local /sysvol, उसमें फिर contrast.local, उसमें पॉलिसीज, उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना है पॉलिसी डेफिनेशन का, और उसको आपने पॉपुलेट कर देना है सी ड्राइव में इस लोकेशन पे पड़ी हुई पॉलिसीज से। ये लोकेशन देख रहे हो सी में विंडोज पॉलिसी डेफिनेशन, बाय डिफॉल्ट यहां पे पड़ी होती है सारी पॉलिसीज। अभी आपको दिखा भी देता हूं। इसको उठा के मैनुअली आपने इस फोल्डर में रखना होता है, और ये कहां पे प्लेस करना है, वो इस फोल्डर में के अंदर, ये वाले, इसके अंदर एक फोल्डर बनाओगे, उसका नाम क्या रखोगे, पॉलिसी डेफिनेशन। इसका फायदा पता क्या होता है, इसका फायदा फ्यूचर में ये होता है कि सेंट्रली इसको आप एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल कर सकोगे, बैकअप्स लेने होंगे वो करना आपके लिए काफी ईजी हो जाएगा। अभी ये कहां पे होता है, लोकली होता है, ये लोकल ड्राइव है ना, सी डी विंडोज पॉलिसी डेफिनेशन, अभी लोकली है, अभी सेंट्रली नहीं है। सेंट्रली आपको ये खुद से मैनुअली एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, ये इसमें मेथड बताया गया, ऐसा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कल को करना चाहो तो ये कर सकते हो। अच्छा जी, तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं जब कभी आप इसमें जाते हो, जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जाते हो तो वहां पे आपको ये तीन ऑप्शन मिलती हैं, अनेबल करना है, कल याद है मैंने वो किया था, लॉक किया था टास्क बार को, अनेबल करना है, डिसेबल करना है, या बाय डिफॉल्ट क्या होता है, नॉट कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है। इसी तरह जिस समय मैंने लॉक किया था टास्क बार को, अगर आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले रजिस्ट्री एडिट की थी, REG EDIT, ये कमांड मैंने हाईलाइट किया,
इस कमांड के थ्रू मैंने आपका रजिस्ट्री एडिटर ओपन किया था, याद होगा जब मैंने आपको सेंट्रली प्रोफाइल किया था। मैं आपको चाह रहा हूं एज एडमिनिस्ट्रेटर आप रजिस्ट्री के अंदर एडिटिंग नहीं कर सकते, व्यू नहीं कर सकते। आप इसकी ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट के अंदर, उस ऑप्शन का नाम है, और कल मैंने सर्च करना भी सिखाया था, प्रिवेंट एक्सेस टू रजिस्ट्री एडिटिंग टूल, इसको जाके आप डिसेबल कर दो। आप फिर एज ए यूजर जब साइन इन करोगे ना वर्कस्टेशन 1 पे, वर्कस्टेशन 2 पे विक्टर साहब एंड जैसा, आपको एडिटिंग अलाउ नहीं है, आपको प्रिवेंट करेगा, रोक देगा, आपकी ऑप्शन को डिसेबल कर देगा अंटिल और अनलेस एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में जाओ, इस पॉलिसी को आप दोबारा से डिसेबल या नॉट कॉन्फिगर कर दो। ये ठीक है, ये भी आप नोट करके देखिएगा, ये एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आप जब जीपीओ बनाते हो ना, जीपीओ ये मैंने दो आपको पहले से दिखाए थे, चार पांच मैंने खुद बनाए, इनकी फाइलें भी होती हैं, इन फाइलों की कॉपी कर सकते हो। कि मकसद क्या होता है फाइलों की कॉपी करना, बैकअप बनाना। बैकअप का फायदा ये होता है कि कल को ये सेटिंग्स को किसी जगह पे आपने इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, कल को ये आपकी पॉलिसीज कोई टेम्पर हो जाती है, आपकी एब्सेंस में कोई आपका स्टाफ मेंबर पॉलिसी में टेम्पर कर देता है, तो अगर आपने बैकअप लिया हो तो पॉलिसीज को रिकवर कर सकते हो। इंशाल्लाह इसमें ये भी बताएंगे आपको, ये सारा इसके अंदर सारी चीजें आपको डिस्कस की जाएंगी। फिर जो नेक्स्ट लेसन होगा इंशाल्लाह कुछ कल भी करेंगे, उसमें ये चीजें सीखेंगे, कॉन्फ़िगर करना, फोल्डर रीडायरेक्शन, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड स्क्रिप्ट राइटिंग, ये हम इंशाल्लाह आज कुछ कुछ कल करेंगे। तो अब चलते हैं लैब पे, देखते हैं। ये देखिएगा, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वॉलपेपर सेट किया, किस पे किया था जैसा डब्ल्यू जो हमारा टू था यूजर, डब्ल्यू टू यूजर कराची का वॉलपेपर सेट किया, तो उसमें ये इमेज स्टोर है, क्या वो अप्लाई हो गया? इसका मतलब पेरेंट वाले को उसने फॉलो नहीं किया, इन द प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन पॉलिसी वो पेरेंट को इग्नोर कर देता है, वो डिफॉल्ट डोमेन को इग्नोर कर देता है, दोनों को बाईपास कर दिया। इसका मतलब चाइल्ड ओरियो पे जो पॉलिसी लगी होती है वो अप्लाई हो गई। अच्छा, अब आते हैं जो आपका यूजर जो दूसरा यूजर है उधर देखते हैं क्या हालात। ये देखिएगा, इसने किसको फॉलो किया बताओ, आप दोनों के सिक्वेशन है, किसको फॉलो किया? पेरेंट को। पेरेंट को, जबरदस्त। चेक भी कर लेते हैं इसको, रिपोर्ट इसकी देख लेते हैं जरा तसल्ली करने के लिए। तो अब आपको एक पॉइंट क्लियर हुआ, पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि पेरेंट ये देखिएगा, इसमें मैं जीपी रिजल्ट डब्ल्यू टू यूजर ने फॉलो किया पेरेंट को और डब्ल्यू वन यूजर ने फॉलो किया अपनी पॉलिसी को, चाइल्ड पॉलिसी को। जहां पे क्लैश आएगा, दोबारा सुन लो, जहां पे क्लैश आएगा, ये तो वॉलपेपर में क्लैश आया ना, तो वॉलपेपर विन किसने किया? चाइल्ड ने। अच्छा, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट, क्या एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जैद साहब, विक्टर साहब, आप कहते हो मैं बहुत पावरफुल बंदा हूं, ये पॉसिबल है कि मैं सबको बाईपास करते हुए कहूं चलेगी तो एडमिनिस्ट्रेटर की चलेगी, वॉलपेपर एडमिनिस्ट्रेटर जो लगाएगा वो चलेगा, आप अपने उसमें लगा रहे हो उसको मैं यहां से कंट्रोल करता हूं सेंट्रली, मैं चाह रहा हूं कि हमारी कंपनी की पॉलिसी नई कुछ इंप्लीमेंट की, वो कहते हैं ओयू अपने अपने हर कोई लगा रहा है, इसमें थोड़ा सा हमें कुछ इसमें पॉलिटिकली इशू बन रहे हैं, तो हम इसको इस तरह काम करते हैं कि हम डोमेन वाइड एक पॉलिसी लगा लेते हैं और इसको अप्लाई कर देते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि एज एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर है भाई, आप कहोगे सर एडमिनिस्ट्रेटर है कुछ नहीं कर सकता है, ये करेगा यहां से, क्या ख्याल है, कर सकता है ना? आप क्या समझते हो करना चाहिए ना उसको? इसके लिए कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है, सिंपल आपने काम करना है, आपने यहां भी जाना है पॉलिसीज में,
ये रिफ्रेश नहीं किया ना, रिफ्रेश कर देता हूँ जरा, दूसरी स्क्रीन है असल में ये रहे। अच्छा ये देखिएगा, इसमें है यूजर, इसमें एक और यूजर, ये पॉलिसी इसने लगा दी और ऊपर वाले ओयो पे फॉलो किया पेरेंट, ठीक है, और बिल्कुल सही हुआ है, इसमें इसने बिल्कुल सही फॉलो किया है। अच्छा जी W2, अब फोर्सफुली इंप्लीमेंट करते हैं। फोर्सफुली इंप्लीमेंट इस तरह होगी, आपने ये लेगी आपका डोमेन वाइड पॉलिसी, कॉन्ट्रोसो पे लगेगी, इसके अंदर वॉलपेपर कौन सा पड़ा हुआ है, कंप्यूटर डॉट जेपीजी, आप चाह रहे हो ये फोर्सफुली इंप्लीमेंट हो जाए, आप राइट क्लिक करके इस पे क्लिक कर दो, बस आपको लॉक नजर आ रहा है, ये लीजिए बस इतनी। अब ये देखिएगा, अब एक काम करता हूं मैं, इस लॉक को ऑन करने से पहले क्या हालात हैं या देख लो, अभी भी जरा मैं आपको दिखा दूंगा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज शेयर करनी है। रह गया हमारे पास अभी 7 मिनट्स हैं, अगला पार्ट हम अगले रिकॉर्डिंग में इसे करेंगे, कुछ मजेदार चीजें आपसे मैंने शेयर करता हूं, और ये बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लो। अपडेट करना, कौन सी पॉलिसी इसने अप्लाई करी है, MCSE, अभी मैंने इन्फोर्स किया, इन्फोर्स करने के बाद ये वाली पॉलिसी टॉप पे आ जाएगी, अभी कौन सी इंप्लीमेंट हुई है, विक्टर साहब एंड जैद साहब, ये वाली मैं इसे इन्फोर्स कर, मैंने इन्फोर्स तो कर दिया, इसे अपडेट करता हूं, ये देखो व्यवहार करना क्या होने लगा, इसलिए मैंने अपडेट नहीं किया था, उससे पहले मैंने रिजल्ट दिखा दिया था, देखो इसके मुताबिक क्या होगा, वाली पॉलिसी नंबर वन पे आ जाएगी, आनी चाहिए ना, इसको अप्लाई कर रहा है ना, क्योंकि मैंने इसको क्या कर दिया, इन्फोर्स कर दिया, क्या कर दिया स्टूडेंट्स, इन्फोर्स कर दिया, ये देखिएगा मेरे इस पॉइंट को फॉलो कीजिएगा, इस कमांड के एंटर होते ही, क्योंकि मैंने पॉलिसी चेंज कर दी, मैंने इन्फोर्स वाली ऑप्शन ऑन कर दी, डिफॉल्ट डोमेन वॉलपेपर की, अब देखो इसका ऑर्डर चेक करो, अब ऑर्डर चेक करो, और इधर भी मैं दिखा देता हूं रिजल्ट, नहीं जी, इंफॉर्मेशन गेटिंग इंफॉर्मेशन SID इंफॉर्मेशन पर यूजर, हर यूजर की इंफॉर्मेशन और W2 की इंफॉर्मेशन को कनेक्ट कर रहा है, पॉलिसी की रिपोर्ट जनरेट कर रहा है, और इसका ग्राफिकल वर्जन मैंने कल HTML क्रिएट करना आपको सिखाया था, HTML के थ्रू भी आप देख सकते हैं, यूजर एंड पे भी आप इस पॉलिसी को, रिजल्ट को, रिपोर्ट को देख सकते हो, और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे मैंने कल आपको ये चीज सिखाई थी, ये ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट, इसके थ्रू आप ये रिपोर्ट देख सकते हैं, और पैरेलल टू लेके भी है, ये भी कर सकते हैं,
ये आपके पास है, ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग भी कर सकते हो, ये देखो, ये भी देख लो, ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग विजर्ड। नेक्स्ट ऑलमोस्ट वही है, और एनी अवेलेबल डोमेन कंट्रोलर, ठीक है जाने दो। यूजर का नाम जैद, वैसे चेक कर लेते हैं यहां से, जैद यूजर को रिपोर्ट जरा चेक करनी है। जैद साहब ने मुझे कंप्लेंट की, सर पॉलिसी सही नहीं लगी आपकी। मैंने कहा अच्छा भी देख लेते हैं, किस कंप्यूटर के आपको? सर वो कंप्यूटर का नाम है WS1। अच्छा ठीक है, ब्राउज करके देख लेते हैं, दो है ना, दोनों में से आप कौन सा, ये वाला, ठीक है ओके। अब ये देखिएगा, साइट एक ही है, अभी इसको एसएच करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट करते हैं। ये देखिएगा आपको पूरी रिपोर्ट दिखा दी, किस लोकेशन पे जी जैद साहब, किस डोमेन में, और जो जो आपका कंप्यूटर किस कंटेनर में पड़ा हुआ है, ठीक है नेक्स्ट करते हैं। ऑथेंटिकेटेड यूजर्स की, आप ऑथेंटिकेटेड यूजर ग्रुप में हो, बिल्कुल हो, कंप्यूटर भी उसी ग्रुप में है, बिल्कुल है। फिल्टर कंप्यूटर, ये समरी प्रोसेसिंग सिमुलेशन और ये रिपोर्ट जनरेट हो गई। तो ये दोनों ग्राफिकल वर्जन है, आप इसके थ्रू इसकी रिपोर्ट डिटेल वगैरह देख सकते हैं। कभी आपको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपको इंप्लीमेंटेशन में मसला आ रहा हो तो ये देखिएगा, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन नोड पे और यूजर कॉन्फ़िगरेशन नोड पे जैद साहब ने जो पॉलिसी लगी थी, ये पूरी रिपोर्ट उसकी जनरेट हो रही है, सारी डिटेल दिखा रहा है। ये देखो आपकी एज ए डिफॉल्ट पॉलिसी कौन सी लगी हुई है वो भी बता रहा है, यूजर नेम, ये देखो ये दिखा रहा है आपको, सारी इंफॉर्मेशन आ रही है डिटेल यूजर की, सक्सेसफुल इंप्लीमेंट हुई है ये स्टेटस भी बता रहा है, कोई इशू नहीं है, एरर कोई नहीं आई। आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट सेटिंग में डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी भी लगी हुई है, ठीक है, और लोकली और भी कुछ पॉलिसीज लगी हुई है, ये इंशाल्लाह इसको भी आप देख सकते हो। WMI मैंने नहीं लगाया अभी, तो पैरेलल मैंने आपको इन दोनों कमांडो का भी बता दिया। अच्छा अब आ जाओ यहां पर देखते हैं, रिपोर्ट आ गई, ये देखो इसमें मैंने चेंजेस की थी, अभी तक नहीं हुई, अप्लाई हो रहा है, आ रहा है अभी आ जाता है। इधर भी अपडेट कर देते हैं जरा, इधर भी थोड़ी सी अपडेट कर देना, इधर भी अपडेट कर देते हैं, जीपी अपडेट, अभी वो पुरानी वाली लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि मैंने अपडेट भी करवाया। ये मैं आपसे, ये देखो ये कौन सी पॉलिसी लगी हुई है, उसमें तो पेरेंट की लगी हुई थी, ये चाइल्ड के ऊपर पॉलिसी लगी हुई है, देख रहे हो, वीकेंड पॉलिसी चाइल्ड पे लगी हुई है। अभी थोड़ी देर में मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं मुझे, अच्छा तरतीब देखो, बड़ी मजे की तरतीब देखो, जैसा विक्टर साहब, ये है जी आपकी चाइल्ड की पॉलिसी, इसकी नीचे हायरार्की में ये आपकी पेरेंट की पॉलिसी, और इससे नीचे ये आपकी डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, तरतीब देख रहे हो, जहां कहीं क्लैश आएगा विन कौन करेगा जो टॉप पे है। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक काम किया था, मैंने इसको एनफोर्स किया था, याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको एनफोर्स किया, अब ये अपडेट हो रही है पॉलिसी, ये नीचे ये देखो, अभी थोड़ी देर में मैं इसको दोबारा से कमांड देता हूं जीपी रिजल्ट की, ये तरतीब में कौन सी ऊपर आ जाएगी बता सकते हो, दूसरे नंबर पे कौन सी होगी, तीसरे नंबर पे कौन सी होगी, कोई आप गैस करो दोनों, टॉप पे कौन सी होगी, लास्ट मिनट है फटाफट, एनफोर्स मैंने किया।